This is Nadeem Abbasi speaking from channel World of Education. So like, subscribe and press the bell icon to do not miss an update of any educational video. So let's start CBSE class 8 NCERT science chapter from the topic where we leave in previous video. In fact, the stars are present in the sky during the daytime also. जो तारे होते हैं वो आसमान में होते हैं दिन के समय भी. However, they are not visible then because of the bright sunlight. हालांकि वो हमें दिखते नहीं हैं क्योंकि सूरज की तेज़ रोशनी की वजह से. Observe some prominent stars or a group of stars in the sky for about 2 hours or more. खूब ऑब्जर्व करिए सम प्रोमिनेंट स्टार, कोई प्रोमिनेंट स्टार को ऑब्जर्व करिए, या फिर बहुत सारे और अ ग्रुप ऑफ स्टार्स, बहुत सारे गुच्छा स्टार्स का आसमान में. फॉर अबाउट 2 hours और मोर, 2 घंटे या उससे ज़्यादा. व्हाट डू यू फाइंड, आपने क्या खोजा. Do you find any change in the positions of the stars in the sky? क्या आपने पाई कोई सा चेंज, कोई बदलाव होते हुए देखा उनकी पोजीशंस में, तारों की पोजीशंस, तारों की जगहों में कुछ बदलाव होता हुआ आपको दिखाई दिया आसमान में? तो ये आप ऑब्जर्व करके मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं. You will find that the stars appear to move from east to west. तो आपने ये भी खोजा जो तारे होते हैं वो अपीयर टू मूव फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट, तो वो ईस्ट से वेस्ट तक जाते हुए दिखाई देते हैं. अ स्टार विच राइजेज इन द ईस्ट इन द इवनिंग सेट्स इन द वेस्ट इन द अर्ली मॉर्निंग. जो तारा होता है जो कि निकलता है ईस्ट से हमारे इवनिंग में, शाम के टाइम निकलता है और सुबह तक वो कहाँ छुप जाता है, वेस्ट में. व्हाट डू स्टार्स अपीयर टू मूव फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट, तो व्हाई डू स्टार्स अपीयर टू मूव फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट, तो ऐसा तारे क्यों करते हैं कि वो ईस्ट से वेस्ट में जाते हैं. लेट अस फाइंड आउट, आइए खोजते हैं. एक्टिविटी 17.4 स्टर्न इन द सेंटर ऑफ अ बिग रूम एंड स्टार्ट रोटेटिंग. अब किसी रूम के, किसी बड़े कमरे के अंदर बीच में खड़े हो जाइए एंड स्टार्ट रोटेटिंग, अब घूमना शुरू कर दीजिए. इन विच डायरेक्शन विल द ऑब्जेक्ट्स इन द रूम अपीयर टू मूव, तो कौन से डायरेक्शन में, इन विच डायरेक्शन विल द ऑब्जेक्ट्स, जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं इन द रूम अपीयर टू मूव, तो वो रूम के अंदर, इन विच डायरेक्शन विल द ऑब्जेक्ट्स इन द रूम अपीयर टू मूव, तो आपको कौन सा सामान आपको घूमता हुआ दिखाई देता है, कौन सी दिशा में कोई भी सामान आपको घूमता हुआ दिखाई देता है. डू यू सी देम मूविंग इन द डायरेक्शन अपोजिट टू योर मोशन, क्या आप देखते हैं. डू यू सी देम मूविंग इन द डायरेक्शन अपोजिट टू योर मोशन, जिस दिशा में आप घूम रहे होते हैं उसके अलग दिशा में, अलग डायरेक्शन में जो है आपको घूमते हुए दिखते हैं. और दूसरी चीज़ें, तो आप ऐसा घूम कर देखिए और मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए. पहली, रिकॉल्स डैट व्हेन शी इज़ इन अ मूविंग ट्रेन द नियर बाय ट्रीज एंड बिल्डिंग्स अपीयर टू मूव इन द बैकवर्ड डायरेक्शन. तो पहली ने रिकॉल्स करा डैट व्हेन शी इज़ इन अ मूविंग ट्रेन, जब वो चलती हुई ट्रेन में बैठी होती है, द नियर बाय ट्रीज, जो आसपास के पेड़ हैं और जो बिल्डिंग्स हैं, तो वो चलते हुए दिखाई देते हैं पीछे की तरफ, पीछे की दिशा में चलते हुए दिखाई देते हैं. इफ़ द स्टार्स अपीयर टू मूव फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट, कुड इट मीन दैट द अर्थ रोटेट्स फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट.
अगर तारे मूव करते हैं ईस्ट से वेस्ट की तरफ, क्या इसका मतलब ये हुआ जो अर्थ रोटेट करती है वो वेस्ट से ईस्ट की तरफ रोटेट करती है? नाउ आई अंडरस्टैंड वाई द सन्स अपीयर टू राइज इन द ईस्ट एंड सेट इन द वेस्ट एज द अर्थ रोटेट्स फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट ऑन इट्स एक्सिस। अब मुझे समझ में आया जो वाई द सन, जो सूरज है वो निकलता हुआ दिखता है हमें ईस्ट से, और जो डूबता है वो वेस्ट में, जैसे एज द अर्थ रोटेट, जैसा कि हमारी पृथ्वी घूमती है फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, वेस्ट से ईस्ट की तरफ अपनी एक्सिस पर। अब समझ में आया। माई ग्रैंड फादर टोल्ड मी डैट देयर इज वन स्टार इन द स्काई विच डज नॉट मूव एट ऑल, हाउ इज इट पॉसिबल। इनके ग्रैंड फादर यानी इनके दादा ने बताया इन्हें कि मी डैट देयर इज वन स्टार, एक तारा ऐसा है आसमान के अंदर, आसमान में जो दिखाई देता है, विच डज नॉट मूव एट ऑल, तो वो चलता नहीं है। हाउ इज इट पॉसिबल, तो ये कैसे मुमकिन हुआ? टेक एन अम्ब्रेला एंड ओपन इट, एक छाता लीजिए और उसको खोलिए। मेक अबाउट 10-15 स्टार्स आउट ऑफ वाइट पेपर, मेक अबाउट और उस पर 10-15 तारे बनाइए ऑफ सफ़ेद कागज़ के। पेस्ट वन स्टार एट द पोजिशन ऑफ द सेंट्रल रॉड ऑफ द अम्ब्रेला एंड अदर्स एट डिफरेंट प्लेसेस ऑन द क्लोथ नियर द एंड ऑफ ईच स्पोक। अब एक तारे को चिपकाइए एट द पोजिशन ऑफ द सेंट्रल रॉड ऑफ द अम्ब्रेला, बिल्कुल बीच में छाते के, एंड अदर्स एट डिफरेंट प्लेसेस, और दूसरों को और अलग अलग जगह चिपकाइए, पेस्ट करिए ऑन द क्लोथ नियर द एंड ऑफ ईच स्पोक, उस कपड़े के ऊपर, छाता जिससे बना हुआ, उस कपड़े के ऊपर और उस स्पोक के कोने पर, हर स्पोक के कोने पर, नियर द एंड ऑफ द ईच स्कोप। तो पोल स्टार डज नॉट अपीयर टू मूव, तो ये जो है ये हो गए हमारे, जैसा कि इस फिगर में शो करा है, ये पोल वाला स्टार हो गया, एक ये स्टार हुआ और बाकी जो है ये बिल्कुल कोने पे हैं। तो ये पोल वाला स्टार है जो कि चलता नहीं है, जैसा कि मैंने अभी बताया आपको ऊपर, ये जो है एक स्टार है वो चलता नहीं है, जैसा कि ये इन्होंने अपने ग्रैंड फादर से पूछा था, दादा से पूछा था, तो ये वो स्टार्स है शायद, ये दिखाना चाह रहे हैं। नाउ रोटेट द अम्ब्रेला बाय होल्डिंग इट्स सेंट्रल रॉड इन योर हैंड, नाउ रोटेट द अम्ब्रेला बाय होल्डिंग इट्स सेंट्रल रॉड इन योर हैंड, अब छाते को घुमाइए। By holding its central rod in your hand, अब central rod को पकड़कर छाते को घुमाया। तो observe the stars on the umbrella, अब उन तारों को देखते रहिए। Is there any star which does not appear to move, क्या कोई ऐसा तारा दिखा जो चलते हुआ नहीं दिखा? Which is the, where is the star located, where is this star located, ये वाला तारा कहाँ पर था, इसकी जगह क्या थी? वेयर इज दिस स्टार लोकेटेड, इफ देयर वर अ स्टार लोकेटेड वेयर द एक्सिस ऑफ रोटेशन ऑफ द अर्थ मीट्स द स्काई, कुड दिस स्टार ऑल्सो बी स्टेशनरी, अगर इफ देयर वर अ स्टार लोकेटेड वेयर द एक्सिस ऑफ रोटेशन ऑफ द अर्थ, अगर वहाँ पर तारा मौजूद है जहाँ पर एक्सिस है अर्थ की, पृथ्वी की जो एक्सिस है, जो घूमती है पृथ्वी, तो वहाँ पर जो तारा मौजूद है, वेयर द एक्सिस ऑफ रोटेशन ऑफ द अर्थ मीट्स द स्काई, वाली पोजीशन जहाँ पर पृथ्वी घूमती है और कहाँ पर मीट्स द स्काई, आसमान से जहाँ मिलती है, कुड दिस स्टार ऑल्सो बी स्टेशनरी, क्या ये वाला तारा भी स्टेशनरी हुआ, मतलब ठहरा हुआ, रुका हुआ, मतलब दिस इज एक्चुअली अ स्टार, ये भी एक तारा है,
द पोल स्टार इसका नाम हुआ, दिस इज एक्चुअली अ स्टार, द पोल स्टार जिसको कहते हैं, विच इज सिचुएटेड इन द डायरेक्शन ऑफ द अर्थ एक्सिस। तो ये कहाँ पर पाया गया, बिल्कुल अर्थ के एक्सिस पर, जहाँ पर अर्थ रोटेट करती है, घूमती है, उस एक्सिस पर एक तारा मौजूद है, इसको कहते हैं पोल स्टार, और जहाँ पर अर्थ घूमती है। इट डज नॉट अपीयर टू मूव, तो ये वाला तारा कभी भी चलता हुआ नहीं दिखेगा, फिगर 17.10 में जैसा शो करा है। द पोल स्टार लाई क्लोज टू द एक्सिस ऑफ रोटेशन ऑफ द अर्थ, जो पोल स्टार है वो कहाँ मिल रहा है, लाई क्लोज टू द एक्सिस, तो एक्सिस पर मिल रहा है ऑफ रोटेशन ऑफ द अर्थ, अर्थ के रोटेशन होने से। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में बस इतना ही, अब हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, नेक्स्ट क्लास में कॉन्स्टिलेशंस। सो फ्रेंड्स थैंक यू फॉर वॉचिंग। वर्ल्ड ऑफ एजुकेशन, थैंक्स फॉर वॉचिंग, सो लाइक सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन टू डू नॉट मिस एन अपडेट ऑफ एनी एजुकेशन।